हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेस सीकर में। तो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा कर रहे हैं 2019 में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चनों का एक सेट अपन ने तैयार किया है जिनके ऊपर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चनों पर चर्चा करने से पहले कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि साथ साथ में आप इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं और मेरे बताने से पहले आंसर बताने की कोशिश भी कीजिए। कमेंट्स में भी आप ये आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चनों पर चर्चा करने से पहले कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैं लगातार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी बेस्ट हो सकते हैं। इसलिए अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास से सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए अपना पीवी सिंधु, हिमा दास, साइना नेहवाल और मेरी कॉम। तो चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स अपन देखेंगे कि समय सबसे चर्चित जो नाम है वह कौन सा है, हिमा दास है, और इसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है फ्रेंड? क्योंकि इसी ने हाल ही में 6 गोल्ड मेडल जो है वह अपने देश को दिलाए हैं। देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और इसे अन्य नाम अगर देखें तो डिंग एक्सप्रेस, इंडियन एथलेटिक्स प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके अलावा ये यूनिसेफ, एडिडास और असम स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो अपने को पता होना अनिवार्य। इससे जस्ट मेरा पहला वीडियो हिमा दास से संबंधित ही बनाया गया था, वो क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रांड फाइनेंस इंडिया की 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए टाटा, LIC, इंफोसिस या SBI। तो चार ऑप्शन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है वह है टाटा, ए ऑप्शन सही है। अगर दूसरे पर अगर अपन बात करते हैं तो फ्रेंड्स आता है अपने LIC, और थर्ड की बात करते हैं तो अपना आता है इंफोसिस। तो ये भी अपने को दूसरा और तीसरा भी पता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019, इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान, ऑप्शन देखिए फ्रेंड, 10, 20, 52, 65। भारत को यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ था 52, सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही था। अब क्वेश्चन यह बनता है कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो वह प्राप्त हुआ था फ्रेंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को अपन कहते हैं प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी अपने को पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य जल नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह ऑप्शन देगी ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो इनमें से मेघालय जो डी ऑप्शन है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी राज्यों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो यह करेगा फ्रेंड्स, चार ऑप्शन में से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो इनमें से जो बी ऑप्शन है फ्रेंड्स अपने उत्तराखंड, वह यहाँ पर सही है। उत्तराखंड की अगर अपन बात करते हैं तो सही है। और यह आयोजन हुआ था फ्रेंड्स 18 जुलाई 2019 को यह आयोजन हो चुका है, उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए विवेक कुमार, पीके मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है उनके निजी सचिव के तौर पर विवेक कुमार को नियुक्त किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में 2 नए जिले बनेंगे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु।
तो ये बनेंगे फ्रेंड्स तमिलनाडु में, और ये दो जिले बनने के पश्चात वहां पर जिलों की संख्या हो जाएगी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और BSNL। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन की बात करते हैं तो फ्रेंड इस समय दूसरी बड़ी कंपनी जो इस समय सबसे प्रचलित है वह अपनी रिलायंस जियो, यानी ए ऑप्शन अपना सही है। तो फ्रेंड्स रिलायंस जियो तो दूसरी बड़ी कंपनी है, अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट अपनी आती है वोडाफोन। वोडाफोन जो आइडिया है वह फर्स्ट कंपनी है, जिसके वर्तमान में अपन देखते हैं कि 39.75 करोड़ यूजर्स इसके हैं। तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं एयरटेल, जिसके 32.03 करोड़ यूजर्स हैं। और रिलायंस जियो की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसके 32.29 करोड़ यूजर से माने गए हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर अपनी वोडाफोन आइडिया, सेकंड पे रिलायंस जियो और थर्ड एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल, यूनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम दी वार, अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम दी वार के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत, अरुंधति राय, विजय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो लेखक है फ्रेंड्स वह है रचना बिष्ट रावत, ए ऑप्शन सही है। और यह पुस्तक लिखी गई थी फ्रेंड्स जो कारगिल युद्ध हुआ था उस पर आधारित है। तो यहाँ पर अपने को कारगिल युद्ध के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई थी, तो यह 26 जुलाई 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस पर आधारित है, और इसकी जो 20वीं वर्षगांठ हुई थी उसके ऊपर इसे लॉन्च भी किया गया था। अभी 26 जुलाई को जो कारगिल दिवस मनाया गया था वहां पर इसे लॉन्च भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 तक टीवी के उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रेल मंत्रालय या उपरोक्त सभी? तो इसमें फ्रेंड्स अपन देखेंगे कि यह जो समझौता हुआ वह रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय व रेल मंत्रालय तीनों के साथ है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने इसराइल में अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन देखिए, संजीव सिंगला, विवेक कुमार, उपेंद्र सिंह रावत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो संदीप सिंगला ए ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन श्रीलंका, जापान, चीन और अमेरिका। तो यह किया जाएगा फ्रेंड्स चीन के साथ में, सी ऑप्शन सही है, और यह होगा मेघालय में, यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो देखिए, भारत, इंग्लैंड, सिंगापुर और मलेशिया। तो इनमें से बात करते हैं तो शीर्ष पर रहा था अपना भारत, जिसने टोटल अपन मान सकते हैं कि 15 इसके अंदर पदक प्राप्त किए थे, जिसमें इन्होंने 7 तो अपन कहते हैं स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, 5 अपन कहते हैं रजत पदक प्राप्त किए थे और 3 कांस्य पदक प्राप्त किए थे। इस प्रकार इन्होंने टोटल अपन कह सकते हैं कि 15 पदक प्राप्त किए थे। और इनमें अगर देखा जाए तो कि पुरुष स्वर्ण पदक जो प्राप्त किया था वह हरमित देसाई थे, और महिलाओं में बात की जाए तो आइका मुखर्जी। इसमें भारत केवल एक राष्ट्र प्रथम देश था जिसने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, सारे के सारे 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। दूसरे स्थान पर इसमें इंग्लैंड रहा था, जिसने टोटल 5 पदक प्राप्त किए थे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल। तो यह किया जाएगा फ्रेंड्स केरल में, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है?
गंगा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, दुग्ध मंत्रालय या गो मंत्रालय? तो यह किया गया है फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्रालय बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ आरंभ हुआ है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल? तो यह हुआ है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में, ए ऑप्शन ए सही है। इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स कि वहाँ पर जो प्लास्टिक का कचरा वगैरह होता है उसका निपटान करने के लिए लोगों को एक अच्छा रोजगार या अपन मान सकते हैं गरीबी हटाने की दृष्टि से देख सकते हैं कि 1 किलो कचरा है प्लास्टिक कोई लाकर देता है तो उसे एक समय का भोजन दिया जाता है और 500 ग्राम तक अगर कोई प्लास्टिक देता है तो उसे नाश्ता करवाया जाता है। यह सिस्टम वहाँ पर चालू हुआ है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले, प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? अखिल कुमार, विजेंद्र कुमार, शिव थापा और दिनेश कुमार? तो इनमें से बने हैं फ्रेंड शिव थापा, सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संगीता कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन एनी जेदी, एस सौम्या, राणा दास गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से चुना गया फ्रेंड्स एस सौम्या को, बी ऑप्शन सही है। और यह पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा 1 जनवरी 2020 को यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बैडमिंटन इंडोनेशियन ओपन 2019 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अकाने, यामागुची, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं? तो यह जीता फ्रेंड्स अकाना यामागुची ने, ए ऑप्शन सही है। और अपने यह मानते हैं कि यह हुआ था जापान में और भारत की पीवी सिंधु को इन्होंने हराकर यह अपन कह सकते हैं खिताबें जीता था। यह जापान की अकाने यामागुची और पीवी सिंधु जो अपने भारत की थी उनको हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है? अखिल कुमार, विजेंद्र कुमार, वीरेंद्र गुमानी और वीरेंद्र कुमार मलिक? तो यह जीता था फ्रेंड्स रविंद्र कुमार मलिक ने। यह साउथ एशिया खिताब जो हुआ था वह हुआ था नेपाल काठमांडू में 20 जुलाई को। ये नेपाल काठमांडू 20 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की प्रीति पटेल को कहाँ का गृह मंत्री बनाया गया है? अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका और ब्रिटेन? तो इन्हें ब्रिटेन का गृह मंत्री बनाया गया है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र? तो यह फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, 22वां क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है वह बनेगी और इसकी जो ऊंचाई बता रहे फ्रेंड वह है 251 मीटर ऊंची है प्रतिमा बनेगी, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा अपन मान सकते हैं। इससे पहले गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी थी वह थी 183 मीटर थी, तो उससे भी ज़्यादा ऊंची है बनने जा रही है, जो कि अपने लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जानवरों का डीएनए बैंक कहाँ पर बना है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र? तो फ्रेंड्स यह बना है, अपन देखते हैं चार ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में बना है। और इसके साथ ही अगर अपन देखते हैं फ्रेंड यूपी में जो बरेली स्थान है वहाँ पर यह बना है। और इसी के साथ अगर हाथियों का अस्पताल भी पूछा जाए तो वह भी यूपी मथुरा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? केशव दत्त, प्रसून बनर्जी, विराट कोहली, ए व बी दोनों? तो
तो यहाँ पर जो अपन देखेंगे फ्रेंड्स, केशव दत्त और प्रसून बनर्जी, इन दोनों को अपन मानते हैं कि यहाँ पर इससे सम्मानित किया जाएगा। 29 जुलाई 2019 को अपन कहते हैं कि इन्हें यह सम्मानित किया गया था। अभी केशव दत्त जो थे उन्होंने 2 बार ओलंपिक विजेता रह चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, संसद और प्रधानमंत्री। तो यह कर सकता है फ्रेंड्स राज्य विधानमंडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक्स।